भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अहाते में दिमागी अमराज के तहकीकी मरकज का इफ्तिताह किया है। साथ ही साथ बागची पार्थासारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी संग बुनियाद इन्होंने रखा है। दिमागी अमराज की तहकीक के लिए बनाया गया यह मरकज भारत के सबसे बड़े मरकज के तौर पर काम करेगा। उम्र के मुताबिक दिमागी अमराज और अमराज की वजूहात और इसके हल के लिए इस मरकज में तहकीकी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। इस मरकज का संग बुनियाद खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रखा था। इसके अलावा इंफोसिस के बानी क्रिस गोपाल कृष्णन की तरफ से 425 करोड़ रुपयों के डोनेशन का इस्तेमाल करते हुए बागची पार्थासारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा गया है। यह अस्पताल 833 बेड का होगा, जहां पर साइंस, मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल शोबे से ताल्लुक रखने वाले मामलात पर तहकीक की जाएगी। वाजह हो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं और वो कल मैसूरु में इंटरनेशनल योगा डे में शिरकत करेंगे। बताया गया है कि वजीर आजम अपने दौरे के दौरान कर्नाटक में 27,000 करोड़ रुपयों के मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।